हेलो एंड वेलकम टू हर्षा व्लॉग। तो सुबह का टाइम है और ये है हमारा सुबह का बिल्कुल सिंपल सा ब्रेकफास्ट, जिसमें शामिल है चाय, बन और ब्रेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह हो रही है और हम बैठे हैं मेरी खाला उनके घर। और देखिए, अभी तो सिर्फ घर दिख रहे हैं। मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। ऊपर बादल वगैरह कुछ नहीं आया हुआ, बिल्कुल क्लियर है, पूरा आसमान एकदम खाली खाली सा है। और अभी हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है और मैंने सोचा कि व्लॉग बना लूँ। तो आज मैं अपने गांव जा रही हूँ और बस हम गांव जाएंगे, मेरे बाबा लेने आ रहे हैं। उसके बाद मैं आपको रास्ते में सब दिखाऊंगी व्यू वगैरह। और मामा आपको दिखा लो, नहीं प्लीज नहीं दिखा, देखो और ये और ये देखो इतने सारे कबूतर, पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। और प्यारा, आप कुछ कहना चाहोगे? ये मेरा प्यारा सा कजन। सब्सक्राइब टू हरीशा और रुशा आ जाओ व्लॉग। और मैं आ गई हूँ फिर से गैलरी में, मुझे समझ नहीं आया बोले तो बोलूँ क्या। और फिर चकली दिखाना बात बच्चे चकल। और मैं क्या बताऊँ, हम जाएंगे गांव और वहाँ मैं आपको ब्लॉग दिखाऊंगी। और अभी मैं अपने खाला के गैलरी बैठे हूँ, जो मैं कब से बता चुकी हूँ। और हम सुबह गए थे, मैं अपनी खाला के साथ गई थी नीचे, वो बहुत दूर थी दुकान ब्रेड लेने। और हमने नाश्ता कर लिया है, खबरदार जो मेरी चिप्स खाई दो। और जी रास्ते में ये एक दरगाह पड़ती है, ये नंदी जोग शरीफ कहलाती है ये दरगाह। यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ठहर गए थे। और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये लेडीज़ के लिए मखसूस है। और यहाँ पर लेडीज़ जो आती है ज़्यारत के लिए, वो यहाँ पर ठहरती हैं। तो हम भी कुछ देर के लिए यहाँ पर ठहर गए थे। और ये काफ़ी पुरसकून इलाका है और यहाँ पर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। बाहर काफ़ी गर्मी थी मगर यहाँ अंदर का मौसम काफ़ी बेहतर था और हवा भी ठंडी चल रही थी। और अब हम चौकुंडी से बाहर आ चुके हैं और ये है बाहर का रास्ता। ये जो बंदरों की तरह उछल रहा है, उछल कूद कर रहा है, ये लियान है। ये सबसे पीछे चल रहा है, सबसे बदमाश बच्चा।
और ये इस रास्ते का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो पानी जो होता है बह रहा होता है, दरिया का जो मंजर है, दरिया या शाख जो भी कहें, हम लोग तो इसे दरिया ही कहते हैं, मगर ये शाख है जो मतलब दरिया की जो ब्रांच होती है वो। और यहाँ का पानी भी बहुत अच्छा और मीठा होता है और ये हमेशा इसी तरह हरी भरी रहती है। और यहाँ का आसपास का मंजर भी बहुत ही सुकून और होता है और बहुत इंस्पायरिंग भी। और जी चूँकि लंच का टाइम हो चुका था और घर पहुंचने में अभी काफ़ी देर थी, तो हम लोग यहाँ पर उतर गए थे लंच करने के लिए। क्योंकि गर्मी काफ़ी थी तो इसीलिए हमने खाना भी सादा ही मंगवाया था, मिक्स सब्जी और दाल और चपाती। और अब हमारा खाना डन हो चुका है और हम निकलने की करेंगे। हमारा खाना अब डन हो चुका है और बहुत ही मज़े का खाना था यहाँ पर, सादा और बहुत ही मज़े का था। जैसा कि प्लेट और सब्जियों की हालत से लग रहा होगा आपको। बच्चे वेट कर रहे हैं कि आपको तो बच्चे तो जगह झूला खेलेंगे, मगर ये कि गाड़ी स्टार्ट करती है जैसे टाइम अंशु उठ मेरा झूला सब रोटी हल्कम करेगा।